देख रहे हैं प्रोग्राम खास बात वसीम खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेजबान वसीम खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास बात। नाजरीन, आज सियालकोट में जलसा तहरीक इंसाफ का हुआ, जिसमें बहुत ही जबरदस्त किस्म का पावर शो किया गया और ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बल्कि आम आवाम ने भरपूर शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि तमाम का तमाम क्राउड, तमाम का तमाम सियालकोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, इमरान खान के चाहने वाले रहते हैं। नाज़रीन, इस जलसे में बहुत ही अहम तरीन बातें की इमरान खान ने। जब वो जलसा गाह की तरफ आए तो खूब अच्छी तरीके से और शानदार किस्म का सियालकोटी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। नाज़रीन, उन्होंने बहुत ही अहम तरीन और अजीबोगरीब बात भी कही, उन्होंने साजिश का ही बताया कि किस किस ने साजिश की और कहां कहां से साजिश हुई, बाहर के लोग कौन शामिल थे और पाकिस्तान के अंदर के लोग कौन शामिल थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो बनाकर रख दिए, महफूज जगह पर रख दिए, ताकि वो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो ज़रूर मंजर आम पर लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की साजिश की जा रही है और उसकी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम तरीन इमरान खान ने बात कही है, अहम तरीन ऐलान किया है, जलसा गाना पूरी दुनिया ने इसको देखा। उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी कर ली गई है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता हूँ और अल्लाह ही के जब तक जिंदगी है उस वक्त तक मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि सियालकोटियों तैयार हो जाओ इस्लामाबाद आने के लिए। तो उसके जवाब में सियालकोटियों ने खूब शोर मचाकर खूब भरपूर अंदाज में उनको जवाब दिया कि हम लोग तैयार हैं, आपका इशारा चाहिए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, और मैं अब चलता हूँ और मिलेंगे इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, पाकिस्तान पाइंदाबाद कहा। नाज़रीन, ये थी बहुत ही आम तरीन खास बात तहरीक इंसाफ के जलसे की। नाज़रीन, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब भी करे, शेयर भी करे, लाइक भी करे, कमेंट भी करे। बहुत बहुत